मॉर्निंग क्लास। आशा करती हूँ आप लोग सब बहुत अच्छे से होंगे। तो चलिए जल्दी से तैयार हो जाइए। पिछली कक्षा में मैंने आपको अपठित गद्यांश बताया था कि अपठित गद्यांश होता है क्या है। आशा करती हूँ कि आप लोगों ने उसको अपनी कॉपी में लिख लिया होगा। आज हम आपको क्लास 3 का अपठित गद्यांश के प्रश्न उत्तर करवाने जा रहे हैं। बच्चों तैयार हैं आप लोग? यस, वेरी गुड क्लास। क्वेश्चन नंबर 1, राजा किसके साथ स्नान करने गया था? अगेन रिपीट, राजा किसके साथ स्नान करने गया था? आंसर, राजा अपने सेवकों के साथ स्नान करने गया था। क्वेश्चन नंबर 2, रेत पर धूप का आनंद कौन ले रहा था? रेत पर धूप का आनंद कछुआ ले रहा था। अगेन रिपीट, रेत पर धूप का आनंद कछुआ ले रहा था। प्रश्न नंबर 3, राजा स्नान करने कहाँ गया था? प्रश्न नंबर 3, राजा स्नान करने कहाँ गया था? राजा स्नान करने नदी पर गया था। राजा स्नान करने नदी पर गया था। क्वेश्चन नंबर 4, कछुआ उछल कर कहाँ बैठ गया था? कछुआ उछल कर राजा की पगड़ी पर बैठ गया। अगेन, कछुआ उछल कर राजा की पगड़ी पर बैठ गया। बच्चों मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग अपठित गद्यांश को खूब अच्छे से अपनी फेयर कॉपी में लिखेंगे, अच्छी सी राइटिंग बनाकर। आज आपका गृह कार्य यही है कि इसको आपको कॉपी में लिखना है। और एक बार फिर से मैं बता दे रही हूँ, अपठित का मतलब बिना पढ़ा हुआ।